तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली ये सेशंस बहुत खास होते हैं आप सबके लिए, बिकॉज हम एक वाकई में एक रियल हीरो को लेके आपके सामने आते हैं, जो अपने स्ट्रगल, अपने संघर्ष, अपने मेहनत से कुछ लक्ष्य को अचीव करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं फैज वारिस। और ऑब्वियसली NDA में रैंक तो मैं नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली 400 के अंदर अपनी सिक्योर पोजिशन इन्होंने सिक्योर की है और जल्दी ही नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप सबकी बहुत सारी दुआ और आशीर्वाद से ही जीवन में कुछ चीज़ें बेहतर हो पाती हैं, और इंटरव्यूज़ को लाने का उद्देश्य भी यही होता है कि बहुत सारे बच्चों को बेहतर इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, और वो भी ये गर्व से कह सके कि अगर फैज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैज, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। एंड ऑब्वियसली वी डिड ऑलरेडी इंटरव्यू, बट ये सेकेंड रिपीट टेलीकास्ट है और मुझे लगता है अभी तो बनता है। काफ़ी डर था आपके जहन में कि ऑब्वियसली क्या रैंक जानी है, क्या पोजीशन जानी है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, इट ऑलवेज गुड, इट फील्स ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज गुड टू बी अ पार्ट ऑफ, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेशनल डिफेंस अकेडमी। इट इज़ वेरी गुड, इट्स ऑलवेज बींग अ वेरी गुड मेमोरी ऑफ माइंड दैट आई हैव बीन एबल टू मेरिट इन स्पेशली। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ट्रेन की डेट क्या है आपकी? सर, राइट नाउ देयर हैज बीन नो कॉल अप लेटर हैज बीन इशूड, बट इन फ्यूचर इट विल बी सर। हाँ बिल्कुल, जनवरी में ही आ जानी वो डेट और सारी प्लानिंग प्रॉपर ढंग से होनी है। ओके, ये टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइक इधर जो डेढ़ दो महीने मिलते हैं मेरिट लिस्ट आने के बाद। हाँ सर, ये बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। आपका टाइम कैसा कट रहा है? इट्स वेरी वंडरफुल टाइम सर, इट इज वेरी, इट्स आई एम फीलिंग वेरी गुड। करंटली आई एम फोकसिंग ऑन माई फिजिकल स्टैंडर्ड्स, स्पेशली in terms of ND especially, and sir, it's been a very wonderful time. I am enjoying with my friends, family. क्या swimming वगैरह भी चल रही है साथ में? नहीं सर, I didn't got a coach or something related to swimming pool, but हाँ, running और बाकी other exercises I was doing it regularly. Yes, regularly चल रहे हैं, that's really good one. Now question की जैसे कि written का भी score आपका आ गया, SSB का भी score आपका आ गया। Yes, written का क्या score रहा? Sir, in my written I have scored 384. In the SSB it is 384, in my written it is 374 के आसपास आप करा है। मैंने उसे ध्यान दिया, नोटिस किया, बट एग्जैक्टली भी 374 है। हाँ, SSB का स्कोर बहुत मैटर करता है, बिकॉज फाइनली आपको मेरिट इन होने की बड़ी वजह देता है। तो क्या ये दिमाग में था कि लाइक मैं जिस तरह से सभी में परफॉर्म कर रहा हूँ मैं 400 एबव स्कोर ले जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 291 का भी स्कोर किए हैं और वो भी अपनी जगह बनाए हैं। Yes, 323 की पोजीशन है बच्चे की। एंड नॉट ओनली दैट गाय, अराउंड 10 कैंडिडेट्स जिन्होंने 400 के अंदर अपनी पोजीशन बनाई है बिलो 300 स्कोर करके, बिकॉज ऑफ देयर एसएसबी स्कोर। बिकॉज वो 450 के आसपास, 455 के आसपास स्कोर था, तो बिकॉज ऑफ दैट दे मेड देयर पोजीशन। सबसे बड़ा जो प्रश्न मेरा है वो यही है कि एक तरफ रिटर्न है और एक तरह के एसएसबी, ये सच है कि इस जर्नी को आप क्रैक कर चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2025 में फोकस हैं अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एंड पहली सितंबर अटेम्प्ट के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सितंबर में एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, ऑब्वियसली अभी उन्होंने डेट सिलेक्शन लिंक आ गई, एनडीए को उन्होंने डेट सेलेक्ट कर लिया, जनवरी में ही ऑलमोस्ट सबकी डेट है, आर्मी ने भी एयरफोर्स। यस, रिटर्न के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सबसे पहले, कैसे वो बेहतर तैयारी करें, देन वी कम टू द एसएसबी पार्ट। सर, देयर आर मोस्टली थ्री ऑफ द पार्ट्स रिगार्डिंग रिटर्न, वन इज इंग्लिश, वन इज मैथ्स एंड अदर इज जीएटी। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फोकस ऑन द 11th एंड 12th portion of mathematics. In mathematics, the more you practice, the better you become in mathematics. And in terms of English, you should, I am not directly say that you should shift to newspaper at the very beginning. I will say that first you will have to be habit of reading. Read the books which are in your, of your interest, either it is a age of 19, 17, 16, so hormones are high, so you should read some romantic or something related which you are being feel satisfied, which is okay, you are giving time in reading. So in English it is going to ultimate boost. Reading is important. Ultimate, not reading is, it's really important, but what I want to say is that first you will have to read the things which you want to read, right, which you are feel good in reading it, then you should shift to the books which in future you are going to become, like you, if you are going to join the National Defense Academy or something, army position, that it means that you will be shift to books related to army, and after that then you should have to shift to newspaper. And for the GAT you will have to focus, for GAT you should have to be the ratta, for GAT you should part, in science you can be understood of, but for the SST or the social science you should have to be a ratta habit. Yes, jitna ratta utna fayda. Haan sir, that's really good one. ऑब्वियसली रिटर्न को लेकर के सबसे अच्छी बात जो फैज मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि अभी जैसे डे बाई डे देखो कटाप भी डाउन हो रहा है। यस,
इसका सबसे बड़ा कारण तो डिजिटलाइजेशन है सबसे पहले, क्योंकि जिस लेवल की पढ़ाई बच्चे पहले खुद पे भरोसा करके करते थे, कहीं ना कहीं अब वो डिपेंडेंसी पे ज़्यादा आ गए हैं। हाँ सर, अभी आपने जो प्रोसेस बताया इसमें डिपेंडेंसी फिर से कम है, इसमें सेल्फ बिलीव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है। आप ये नहीं डिपेंडेंट हो कि सामने वाला कोई जादू करेगा और मेरा काम हो जाएगा। यस, और रिटर्न निकालने का मुझे लगता है बेटर फार्मूला यही है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट, पढ़ो प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, दिस इज ओनली वे। एंड प्रैक्टिस के बिना मैथ में तो कुछ संभव ही नहीं है, नहीं वो तो अल्टीमेट सबसे बड़ा गेम है। और बच्चे बहुत भ्रम में जीते, मैं आपको बताऊं 120 क्वेश्चन मैथ में आते हैं तो इनको लगता है कि मैथ में 100 क्वेश्चन कर दूंगा, जो कि बहुत ही बड़ा नॉनसेंस है। मुझे लगता है कि अप टू 40-50 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो वो बहुत जस्टिफाइड है, और टेक्निकली अगर ईमानदारी से आप अप्रोच कर रहे हैं तो उतना हो भी पाएगा, ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। जीएटी पार्ट में भी बच्चों के दिमाग में रहता नहीं मैं 120 मार दूंगा 130 मार दूंगा, फिर से नॉनसेंस है। 70-80 भी पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, जो फैक्ट है। एग्जैक्टली सर, तो द क्वेश्चन इज कि हर चीज़ का एक सामंजस्य बना करके आपको करना है, तभी आप रिजल्ट ला पाएंगे। तो आजकल एक और पैशन मैंने बच्चों के अंदर देखा है जो बहुत गलत हो रहा है, अभी बच्चों को 160 पे बड़ा भरोसा हो गया है, मतलब उनको लगता है साल भर नहीं पढ़ना है, एक दिन 24 घंटे के मैराथन कर लेंगे या वो 1000 क्वेश्चन स्पेशल कोई आके करा देगा और मेरा काम हो जाएगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर, माई ओपिनियन इज ऑन डैट दैट स्मार्ट वर्क इज समथिंग बट स्मार्ट वर्क कम्स विद हार्ड वर्क। द मोर यू डू हार्ड वर्क द बेटर यू आर गोइंग टू बिकम टू यू आर गोइंग टू डू अ स्मार्ट वर्क व्हेन यू विल डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कम्स स्मार्ट वर्क कम्स विद हार्ड वर्क, सो देर इज नो वाइस वर्सा दैट फर्स्ट विल डू स्मार्ट वर्क एंड देन हार्ड वर्क। द मोर यू हार्ड वर्क द बेटर यू बिकम इन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैथ्स सर, द मोर यू सॉल्व द बेटर यू बिकम। एग्जैक्टली, तो इस भ्रम से ये बच्चे कि 1000 क्वेश्चन को स्पेशली आया, क्योंकि यूपीएससी में कोई गारंटी नहीं लगता कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएगा, तो रट्टू तोता मैथ में बनना तो मुझे लगता है बहुत बड़ा नॉनसेंस है, जो इनको बैकफायर अक्सर करता ही करता है। टेक्निकली सच तो ये कि 20-25 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी से लग के बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि सितंबर का सच्चाई आपके सामने आ चुका है, अप्रैल में भी वही होगा अगर अभी भी आप खुद पे भरोसा करके प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे बच्चों ने कभी क्या होता है रिटन के स्कोर लो हो गए, जैसे पिछली बार ज्ञानेंद्र बच्चा था तो ही गॉट 321 रैंक, उसका स्कोर जो था इट वॉज 292। यस सर, लकली इस बार एक नंबर का टॉप हॉट डाउन हो गई, तो ही वॉज वेरी मच वरीड कि सर मेरे को SSB देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा भाई इतना मौका मिला है, क्योंकि उसको पता था कि मैं 300 के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं किया हूँ। बच्चा एग्जाम दे के आता है तो उसको सच्चाई सब पता रहती है, वो नालायक है जो ना समझे कि मेरे को पता ही नहीं था सर, तो वो गलत बात है। तो वो मेरे से बार बार पूछ रहा था सर इतना रिटर्न का लो स्कोर है, मैं SSB दूँ भी कि ना दूँ सर। एंड आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, उसने 3 महीने फोकस्ड SSB गाइडेंस लिया, कम्युनिकेशन पे काम किया, जनरल अवेयरनेस पे काम किया, पर्सनैलिटी पे किया, एंड ही गॉट 468 मार्क्स इन द SSB। इट्स वेरी क्वाइट हाई समझो कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला भी हिट कर ले गया ओवरऑल। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि SSB के स्कोर को लेकर के भी एक भ्रांतिमान है, बिकॉज अच्छा आज के टाइम में क्या है कि NDA भी 3 मंथ का टाइम दे रहा है, भाई रिजल्ट आपके सितंबर में आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप प्रैक्टिस करो, जनवरी से आप SSB दे दो। इवन पहले आर्मी TS की एंट्री, उसके ही फॉर्म आ गए, 3 महीने का टाइम दिया, 5 में SSB है, दिसंबर में नेवी TS का फॉर्म फिल करेंगे, उसका भी 3 महीने का टाइम मिलेगा, मार्च में SSB है। तो एग्जैक्टली SSB के दृष्टिकोण से क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग में बड़े फोबिया इनके भी रहते हैं, वो 10-12 दिन वाला प्रोग्राम नहीं होता है, गए फटाफट प्रोसेस कंप्लीट किया, होगी बात खत्म। आपका क्या सुझाव है इस चीज को लेकर? सो फॉर SSB इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी टेस्ट, बट हाउ इट मैटर्स व्हेन यू टुक अ गाइडेंस, इट इंश्योर्स दैट व्हाट यू आर गोइंग टू शो इन फ्रंट ऑफ द असेसर्स, बिकॉज द गुड और द बैड वट एवर यू शो दैट विल बी डिपिक्टेड एंड दैट विल बी असेस्ड ओनली बाई द असेसर्स। राइट, सो वैन यू हैव बीन असेस्ड और कोच्ड, देन द थिंग इज दैट आर यू ट्राइंग और आर यू गिविंग द थिंग्स विच आर ऑफ योर्स, यू आर नॉट कॉपिंग द थिंग्स और द GTO थिंग्स। हाँ, यू नीड टू बी प्रेजेंट योर सेल्फ ओरिजिनल इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, दैट योर माइंड सेट शुड बी वेरी मच गुड, you should never thought bad for anyone, that mindset would be good in terms of interview, you should never be told a lie to anyone, the things which is the worst part of yours, if you can hide it then hide it, if but never tell a lie in the interview especially, because the ones the assessor caught you lying in this interview especially, then there is no scope of finding that how much good you are, it doesn't depend if if you are not truth or I am saying that you will have 90% you will have to better than 10% of the diplomacy you will have to whatever what the things you have to tell, what the things you have to hide, it's in your hands. So it's a very good test. I have been conferenced out, I have learned a lot of things, that never give up attitude is a one attitude which helps a lot in the SSB.
when I was in Bangalore, sir, I was not able to perform well in the PGT especially. Then my morale was being shattered. I didn't really taken the initiative to perform in the next of the task. So that was the thing which I should not done in the Bangalore. That is why I have been conference out. In the Bhopal, I have tried my best. I have thought that you have to give your 100%, and karma is everything. Everything. And then finally we got the success. Yeah. And this is all about the reality. इन्हें ये भी समझना होगा कि like आपके efforts ही आपके success हैं. और हमें तो सब कुछ पता ही होता है, हम कहाँ बेस्ट हैं कहाँ नहीं है, हमें काम करके खुद को बेहतर बनाना ही होता है. नाउ बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट जा रहे हैं इस समय एसएसबी के लिए, बिकॉज जेएनयू की एसएसबी है, डेट सिलेक्शन लिंक आने की अपनी एक खुशी होती है. सभी बंदे फटाफट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं. अभी तो बहुत चीज़ें सुधर गई हैं, अब डेट सेलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं आपके पास, एनफ टाइम मिल रहा है एसएसबी डिवीजन के लिए. पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, रिजल्ट बहुत लेट में आता था और बच्चों को टाइम नहीं मिलता था. तो जो ये टाइम मिला है इस दौरान इन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट दे डू? सर, इन टर्म्स ऑफ एसएसबी, बिकॉज द डेट्स ऑफ एसएसबी हैज बीन आउट, सो फोकस ऑन द थिंग्स विच यू आर इन गुड, फोकस इन दैट, मेक अ थिंग विच इज बेस्ट ऑफ यू, एंड द थिंग विच यू थिंक दैट कि आई एम वीक इन इट, सो वर्क ऑन इट एंड make a habit of reading books, because it is going to gain a lot of experience or imagination. Your thought process is going to helps us a lot. I have been an example of reading books in the second attempt of mine, in which I have been recommended. So reading book is very helpful for the student who is going to appear for the SSB, and you should be always true and follow the process and nothing more, sir. One more question, ki lot of candidate obviously from the Hindi medium background. Yes. They are good in the written examination because their academics is really good. They are work a lot on math, physics, English and GS part, and they scored well in the written examination. But SSB ko leke ek alag hi dar hota hai, only because of communication, because they are not capable to speak properly in English language. But really want to suggest them, unhe kya suggest karna chahte ho? Sir, although I came from a very very good academic background. I was in Sunbeam, and after that I went to Navodaya Vidyalaya, in which I have gained a lot of experience in terms of communication and as well. But I have seen the students which are struggling in communicating. There is a in that for example, what we say in maths, the more you practice, the better you become. For what we have to for a, if you are not a good reader, then read a lot of book. If you are not able to understand the English, then start listening English. If you are not a very good communicator, then start speaking English. Whatever you are speaking, just speak it, and the result will be visible when you will start speaking English, because it's time taking process, slowly and slowly, gradually and gradually you are going gain a lot of confidence, and confidence is the key to success, sir. Exactly. A language is not a subject, it's a language. Yes, sir. Start trying, you will always be confident. Yes. Next question yahan pe banta hai, we started the 90 days journey. Abhi humne 90 days plan start kiya SSB ka, because earlier it was plan only for the 14 days and maximum 21 days. Yes. But what we got exactly ki hum training mein process mein test to karte the bachcho ko, but फीडबैक असेसमेंट हो गया और वो चले गए, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ. लाइक इफ यू सिट फॉर द वन मॉक इंटरव्यू, देन यू रियलाइज व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक यू आर डूइंग इन द मॉक इंटरव्यू. सेकंड में आप आओगे तो उससे बेहतर होगे, थर्ड में उससे बेहतर होगे, फोर्थ में उससे बेहतर होगे. तो हम अभी मल्टीपल प्रैक्टिस एंड मल्टीपल मॉक, मल्टीपल डोजियर चेकिंग साइकोलॉजी की, मल्टीपल GD लेक्चरेट एंड ऑल, हम इसको कर रहे हैं और इसके आउटपुट हमें अच्छा मिल रहे हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो 90 डेज हमने प्लान किया है, इसके विषय में आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है ये बच्चों के लिए? हाँ सर, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, बट एज टर्म्स ऑफ SSB रिलेटेड, इट्स अ पर्सनैलिटी बेस्ड, एंड इट टेक्स टाइम टू चेंज द हैबिट्स और समथिंग विच इज नॉट बीइंग इन द यूज ऑफ योर्स. सो इन 90 डे टर्म्स, इफ यू आर दैट मच केपेबल, देन यू आर गोइंग टू शो इट. इफ यू आर नॉट, देन इट मे टेक लॉन्ग टाइम, इट मे टेक अ शॉर्ट टाइम, बट इट डिपेंड्स दैट वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम द असेसर. इफ यू आर कमिंग डेली, यू आर नॉट बीइंग analyzed to yourself, if you are not analyzing yourself, then it's of no use. But if you are working on the mistake which you have committed earlier, it's going to help a lot for the students. That's great, yaar Faiz, you just tell everything very honestly, and I think they'll understand everything. इन्हें सब समझ में आया होगा, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से फैज ने सब बातें कही, और मुझे लगता है यही सच है. और इस सच के साथ ही आप एक बेहतर सफलता को लाइफ में तय कर सकते हैं. बाकी इंटरव्यूज कैसा लगा और आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और इन वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि समाज में नेगेटिविटी बहुत है, नकारात्मकता बहुत है, जहां लोग असफलता की बातें ज़्यादा करते हैं. बट मुझे लगता है कि ये सब रियल हीरोज़ हैं जो समाज में
एक सफलता की बात करते हैं और अपने माध्यम से कितने लाखों लाख यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ढेर सारी दुआएं जो है वो फैज के लिए जारी रखें और ऑब्वियसली ये देश का भी नाम करें, माँ बाप का भी करें और हम सबका कहीं ना कहीं प्राउड महसूस करने की एक बड़ी वजह दें। थैंक यू फैज, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।